वाह उस्ताद, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रीति, और हमारे साथ स्टूडियो में विशेष मेहमान, उनसे होगी मुलाकात। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मैं तैयार हो जाऊं तो और अच्छी लगूंगी। वैसे रेडियो में दिखेगा तो नहीं, लेकिन जब हम मंच पर जाते हैं तो सब दिखता है कि कैसे लग रहे हैं और किन हाथों ने आपको सजाया संवारा। बिल्कुल बात करेंगे, उससे पहले ये जरूर कहना चाहेंगे, इस सुंदर सृष्टि को सजाता कलाकार, हाथों में हथौड़ी या कुची लिए खूबसूरत रंगों से दुनिया को रंगीन बनाता कलाकार। थिएटर में जब कलाकार मंच पर आते हैं अलग अलग वेशभूषा में अलग अलग किरदार निभाने, तो उन कलाकारों को उन किरदारों में दिखाता कलाकार जिन्हें हमने नाम दिया मेकअप आर्टिस्ट जी। आज FM रेनबो के स्टूडियो में हमारे साथ हैं एम राशिद जी। एम राशिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार जी, आप लोगों का बहुत बहुत बढ़िया है जो आप लोगों ने मुझे इस तरह की इज्जत दी। मेरी जो जिंदगी है जी, इसी चीज के अंदर ही कट गई। आज मेरी 60 साल 70 साल की उम्र हो गई। सजना तो सबको ही है, मगर सजने से पहले सबसे खूबसूरत इंसान होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही आपने और बहुत प्यारी बात कही। दिल का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है, लेकिन जो चेहरे की खूबसूरती है वो भी जरूरी है। तो मुझे ना फिल्म सौदागर का गीत याद आ रहा है, सजना है मुझे सजना भी बहुत के लिए। Thank you.
सजना के लिए अब जब तैयारी हो गई, सजना संवरना हो गया, तैयार हो रहे हैं, तो अब जो बेसिक चीज़ें हैं वो जाननी बहुत ज़रूरी होती है। उससे पहले मैं अपने श्रोताओं को ज़रूर बताना चाहूँगी, प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1998 में एम राशिद जी को, और हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं जब आपसे मुलाकात हुई तो हमने सोचा कि कुछ बातें वाह उस्ताद कार्यक्रम में बिल्कुल बनती हैं आपके साथ। कैसे मेकअप आर्टिस्ट बनने की आपने सोची और कैसे इस तरफ झुकाव हुआ, ये ज़रूर जानना चाहेंगे। आर्ट मेरा शौक रहा है जी, तस्वीरें बनाना मेरा शौक है। मैंने सबसे पहले हाफ टोन के अंदर एक इंदिरा की तस्वीर बनाई। अच्छा, कितनी उम्र रही होगी उस वक्त? उस वक्त मेरी 22 की उम्र होगी। ओके, युवावस्था में कह सकते हैं। मगर मुझे शौक था, एक आर्ट था, मैं भी सोचता था कि मैं भी फिल्म लाइन में जाऊंगा। तो मेरी मुलाकात जैदी साहब से हुई जो तस्वीरें बनाया करते थे जी, हाफ टोन तस्वीरें, हाफ टोन का मतलब होता है छोटे छोटे पीस, उसके अंदर नजदीक में जाओ तो ये तस्वीर बन जाती है। मुझे भी ये चीज का शौक था, तो मैंने देखा कि जी ये चीज़ मैं भी कर सकता हूँ। मैं इन पतली गलियों से निकलता हुआ बम्बई 7 साल मैंने गुजार दिया। अच्छा, उस 7 साल के अंदर मैं तबस्सुम जी से मिला, जो फूल गले गुलशन गुलशन में आती थी, वो मेरी बहन बनी। उन्होंने मुझे तनोजा जी के साथ भी लगाया, ये चीज़ें करी मैंने। इतने सुबह जाता था 9 बजे और शाम को लाइट मेकअप होता था, उस टाइम HMI लाइटें होती थी, उन लाइटों के साथ के अंदर मुझे ये चीज़ बताई जाती थी कि जी इसको इतना मेकअप देना है, इसको ये चीज़ लगनी है, इसकी कटिंग ये करनी है। फेस की कटिंग होना बहुत ज़रूरी है, जब तक फेस की कटिंग नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे ही बेस कर लेते हैं, अपना फेस लगा लेते हैं। फेस होता है नंबरों के हिसाब से, मेरा जो है 626 है, 6D है, 6C है, इस तरह से कलर वही होना चाहिए जो कलर आपका फेस का कलर है। कैमरे के ऊपर हर चीज नजर आ जाती है, अब तो सॉफ्ट लाइट, पहले होती थी डायरेक्ट लाइट, ये चीजें लोगों को समझ नहीं थी। हमने वहां जाके ये सीखा, इतनी पढ़ाई नहीं पड़ी जितनी हमने आउटपुट देखी। सस्ता टाइम था, 75 रुपये में मैं काम करता था, सुबह 9 बजे निकलना, रात को उस वे गुजना। उसके बाद मैंने सीरियल करने शुरू करे। अच्छा, तो सीरियल जो था मुझे ही नहीं मालूम था कि सीरियल होता क्या है। आपको पहचान हम लोग से मिली? हम लोग से मिली जी, दूरदर्शन पर। एक गीत यहाँ सुन लेते हैं, टॉयलेट एक प्रेम कथा, एक बहुत प्यारी बहुत, सी फिल्म थी, बहुत बढ़िया गाना है, मुझे भी बहुत पसंद है। हंस मत पगली, प्यार हो जाएगा। जब से मिला हूँ तुझसे मुस्कुराता रहता हूँ, जो भी मिलता है मुझसे सुनाता फिरता हूँ। दूर रहना इस माया जाल से, वरना तेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। हसमत पगली प्यार हो जाएगा, हसमत पगली प्यार हो जाएगा, हसमत पगली प्यार हो जाएगा, हसमत पगली प्यार हो जाएगा।
सोचता था बेवजह ख्वाबों की खिड़की थी बंद अब इश्क होगा भी क्या तुझसे यूं थोड़ा खुल गया हूँ मैं यूं तेरी आंखों में घुल गया हूँ मैं जैसे पानी में चंदन हुआ दिल अब कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा हसमत पगली प्यार 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 हो जाएगा आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो और एफएम रेनबो पर प्रोग्राम वाह उस्ताद और हमारे साथ स्टूडियो में एम राशिद जी मेकअप आर्टिस्ट मैं एक चीज जानना चाह रही थी मेकअप आर्टिस्ट आपको कहते हैं लेकिन जब हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो वो भी सजाते हैं तैयार करते हैं तो दोनों में क्या फर्क है देखिए उसमें क्या होता है जैसे हम ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं हम वैसी जिंदगी के अंदर हम काट रहे हैं जैसे लोग ब्लीच कराते हैं ये चीजें कराते हैं ये चीजें बहुत कम कराएं केमिकल फेस पे लगना ही नहीं चाहिए पहले के लोग खली से सर धोते थे मुल्तानी से सर धोते थे तो मेरा यही कहना है कि केमिकल से दूर रहे इंसान को सबसे पहले खुद अपने आप को अच्छा बनाना उसका जो टैलेंट है वही खूबसूरती निकाल देता हमारा तो यह है कि जो हम कैमरे के लिए काम कर रहे हैं कैमरे पे हमको कैसा दिखाना है हमें तो जैसा मर्जी चाहो हम उसको सजा के दिखा देंगे जितनी भी मतलब खूबसूरती हो बाकी आधे से ज्यादा हमारा कैमरा भी दिखाता है लाइटिंग दिखाती है ये चीज है जब हम सीरियल में आ गए तो हम करेक्टर मेकअप में आ गए अच्छा अब जैसे किसी को गोली लग जाती है क्योंकि क्या पहले लोग डॉक्यूमेंट्री बनाया करते थे डॉक्यूमेंट्री वो पब्लिक को दिखाने के लिए नहीं होती थी
वो जो डॉक्टर डॉक्टर को डिग्रियां देते हैं कि भाई इस बीमारी में ये पैच है, इसमें ये चीज़ है, पहले इस तरह से काम करने के बाद में सीरियल में आया। सीरियल में मैंने लेखू करा, सौ बात की एक बात करी, टीपू सुल्तान करा, टीपू सुल्तान में आप हैदर का मेकअप। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जी पहले लोगों को तहरीरें पता नहीं थी कि गालिब कैसा होता है। पहले फोटो नहीं खींचते थे, स्केच पेन से उनके तस्वीरें बनाई जाती थी। जैसे मैं कश्मीर चला गया, कश्मीर में एक सीरियल करा मैंने, बट शाह डायरेक्टर एम के राणा थे यहाँ दिल्ली के, बहुत सीनियर आदमी है। जब उन्होंने कहा कि जी मुझे राशि जी बट शाह बनाना, तो मैं वहाँ बटो चला गया, जाके देखा, मैंने देखा वहाँ का माहौल, कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है और मेरी शादी भी वहीं पे हुई है। अच्छा। तो मैंने देखा, मैंने कहा जी बट शाह था कैसे? कहने लगे यार बट शाह एक राजा था, फकीर था। तो मैंने कहा था कैसे वो? असल में क्या, हम लोगों को अगर सीरियल बनाना है तो उसका जवाब भी देना है। मैं श्रीनगर से फिर जम्मू आया, लाइब्रेरी के अंदर मैंने उनकी पूरी तहरीर देखी। तो पहले क्या है, स्केच पेन से बनता था। बट शाह के लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, मटका बजाया करते थे, जब जाके मैंने बट शाह बनाया तो मैंने उसको उसी तरह ढालने की कोशिश करी। असल मेकअप वही है जो लोग दुनिया से चले गए उनको जिंदा रखना मेकअप के माध्यम से। क्या बात है राशिद जी, आप कश्मीर की वादियों में ले गए थे हमें, तो मैं सोच रही थी कभी जो बादल बरसे ये गीत अरिजीत की आवाज में सुन लेते हैं, जैकपॉट फिल्म का बहुत प्यारा गीत है जी। पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे या खुशियां, सह लूं साथिया। सब यहाँ मिटा दे सभी आ जा फासले, मैं चाहूँ मुझे मुझसे बांट ले, जरा सा मुझ में तू झांक ले, मैं हूँ क्या। गुजारे थे जो लम्हे प्यार के, हमेशा तुझे अपना मान के, तो फिर तूने बदली क्यों अदा, ये क्यों किया।
मर से मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे या खुशियां, सह लूं साथिया। पहले की अगर बात करें तो जैसे सेट बनते थे, हाँ। किसी गांव की शूटिंग हो रही है या कहीं जाना है तो कहते थे यहाँ एक सेट बना देते हैं और यहाँ सारा कुछ दिखा दिया जाता है, लेकिन अब हम प्रॉपर उसी जगह में चले जाते हैं। देखिए ऐसा होता था जैसे हम चाइना में शूटिंग कर रहे हैं जी, तो पहले क्या होता था चाइना का सेट यहीं लग जाता था, हाँ। तो पहले लोग सेट लगाया करते थे, उन सेट में बहुत पैसा लगता था। अब क्या होता था जब हमने ये सेट लगाया, सेट लगाने के बाद फिर हमने उस करेक्टरों को लेके आना उस जगह के ऊपर, वहाँ किस तरह से लोग रहते हैं, किस तरह कैसी खूबसूरती है, कैसे वो है। अब जैसे कश्मीर की है, कश्मीर के हमने वहाँ के जो लोग हैं उनके गेटअप देखिए, उनके करेक्टर देखिए, उनकी बातचीत देखिए, उसी तरह से करके जब जाके वो होता था। अब वो क्या होता है तो हमें अगर सिंगापुर शूटिंग करनी है तो हम सिंगापुर चले जाते हैं, जहाँ जहाँ हमें रोल लेके जाएंगे, जहाँ हमें कोई चीज़ लेके जाएगी, इस तरह से। जी जी जी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ जाकर के चीज़ों को समझें करें, तब वो चीज़ें निकल करके आती। निकल करके तो पहले सोचते होंगे ना, जैसे एक नया करेक्टर आपको मिला है, असल में क्या कर सकते हैं। सारा डिपेंड करता है स्क्रिप्ट के ऊपर, आप कास्टिंग कैसे कर रहे हैं, वो आदमी कैसा था, तो वो जो दुनिया से चले गए हमको उस तरह का फेस लेके और उसको उसी तरह ढालना है। जैसे आर्मी के अंदर होता है, बीएसएस में काम कर रहा हूँ, कारगिल में काम कर रहा हूँ, मैंने ज्यादातर तो दिल्ली पुलिस में ही काम करता हूँ। अच्छा, दिल्ली पुलिस में भाई ये किस तरह से अटैक हुआ, ये गोली कैसे चली, वो गोली चलने के बाद निशान होता है उसको उसी तरह से देना है, दिखाना, उसी तरह से ब्लड देना है। ब्लड ये है कि गिरने के बाद काला पड़ जाता है, बारीकियां हैं। बॉडी जल गई है किसी की, लड़की का भी मैंने उसमें देखा तो जलने का जो हॉस्पिटल था वहाँ का, तो उनके डॉक्टरों ने मुझे पकड़ लिया कि जी आपने ये बॉडी को कैसे हाथ लगाया। मैं उनको बता रहा हूँ ये मेकअप है, बल्कि वो लड़की ने शीशे में देख लिया, वो बेहोश भी हो गई। तो इस तरह के मेकअप भी करता हूँ, ओरिजिनलिटी होती है, खूबसूरती के साथ साथ इस तरह के मेकअप। तो ये है मेकअप आर्टिस्ट में, कि भाई आपको कपड़े क्या पहनने, साड़ी क्या पहननी। जैसे आप शादी के अंदर ब्यूटी पार्लर में आदमी जाता है तो ब्यूटी पार्लर वाली भी पूछती है कि जी आपको पहनना क्या है, हमने उसी तरह का आई शेडो देना है, उसी तरह की खूबसूरती देनी है। और लोकल कोई भी फेस पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये जरूरी है। इस बात पे एक गाना बनता है, सुभान अल्लाह ये जवानी है दीवानी, बहुत प्यारी सी फिल्म और गीत भी बहुत प्यारा है, इसे सुन लेते हैं। को तराशे मेरी नजर से तू जरा, अरे आंखों से तेरी क्या क्या छुपा है, तुझको दिखाऊं मैं जरा, अरे एक अनकहीं सी दास्ता दास्ता कहने लगे। खामोशी से बातें चुन लेना, उन
की डोरी से तारीफें बुन लेना। हाँ, मेरी खामोशी से बातें चुन लेना, उनकी डोरी से तारीफें बुन लेना। कल नहीं थी जो आज लगती हूँ, तारीफ मेरी है खामखा, तोहफा है तेरा मेरी अदा। एक दिन कभी जो खुद को पुकारे मेरी जुबा से तू जरा आए रे, तुझ में छुपी सी जो शायरी है तुझको सुनाऊं मैं जरा। अरे ये तो दिलों का वास्ता वास्ता, खुल के बताया जाएगा। सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ। सुभान राशिद जी, बहुत अच्छी बहुत प्यारी प्यारी बातें हो रही है। ये बहुत टेक्निकल चीज है क्योंकि इसे सीखना, जैसे बारहवीं की बात हो रही है, वो जानना समझना बहुत जरूरी है। तो क्या प्रशिक्षण लेना पड़ता है इसके लिए, आपने ट्रेनिंग ली है? हाँ, जैसे कोई मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उसे पहले पूरी ट्रेनिंग लेनी होगी, अंदर से कहीं से आती है ये बातें? असल में क्या हो, तो देखो ये करने से आता है जी, प्रैक्टिस। आज भी मुझे कुछ नहीं आता, आज भी मैं बहुत कुछ करता हूँ। एक तो इंसान में मैं नहीं आना चाहिए, इंसान में बहुत चीज, ये चीजें बहुत प्यार मोहब्बत इसी से निकलता है सारी चीज। हमने बड़ी मेहनतें करी हैं इसके अंदर करने के लिए। 36-36 घंटे काम करता हूँ मैं, सारी रात शूटिंग यहाँ करी, कहीं गुड़गांव में कर रहे हैं, कहीं नजफगढ़ में कर रहे हैं, गाँव में कर रहे हैं, हर तरह से कर रहे हैं। मेरा यही रहा कि भाई मैंने कभी किसी को काम को मना नहीं करा। मैं आज की गलियां करता था, राज बब्बर, एस एस जहीर, मनोहर सिंह, उत्तरा बाकर, ये सारे लोग हुआ करते थे, आज ये लोग बिछड़ गए। समय बदल गया, समय बदल गया। शीला भाटिया के टाइम के ऊपर यहाँ पर शीला भाटिया थी, मंडियों में शीला, सारे बिछड़े हुए लोग मिलते थे, आज हम वो देखते रहते हैं, मिलते नहीं। एक गीत सुन लेते हैं थ्री इडियट्स का, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया,
99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला। बचपन तो गया जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो। बचपन तो गया जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो। के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो। Chance I wanna grow up once again. Na 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 na, na na na. राशिद जी से आज हमारी मुलाकात हो रही है वाह उस्ताद कार्यक्रम में और FM रेनबो पर। ये जो प्यारा सा प्रोग्राम है इसके माध्यम से हम अपने श्रोताओं से जुड़ते हैं, आपसे जुड़ते हैं और बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं जानते हैं। आगे बढ़ें और बातें करें, उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपके परिवार में कौन कौन है। मेरे परिवार में मेरे दो बेटे हैं जी और एक बेटी है छोटी, और बहुत अच्छी जिंदगी है जी, साफ सुथरी। मेरे फादर बहुत ही साफ सुथरे आदमी थे, गरीब परिवार से हम लोगों ने जिंदगी चलाई है और मैं बड़ा बेटा हूँ, बाकी मेरे एक दो भाई भी हैं। आपके वालिद भी इससे जुड़े हुए थे? नहीं, नहीं, मेरे वालिद साहब इस चीज को अच्छा ही नहीं समझते थे कि ये कहाँ जा रहा है, क्या चीज कर रहा है। अच्छा, हम लोगों के पास इतना वो भी नहीं होता था ना, हम उर्दू पढ़े हुए आदमी, इतनी तालीम नहीं हुआ करती थी, उसी के अंदर हमने काम चलाया, उसी में चीज करी हमने, और हर तरह से हर शहर हर जगह घूमा हुआ, हर चीज को देखा, देश विदेश में। सिंगापुर में करी, कतर में करी, दुबई में भी करी। और हर बच्चे क्या करें, बच्चों में से किसी में इंटरेस्ट है? बच्चों में मेरा एक बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक मेरी जो बेटी है वो ग्राफिक्स पढ़ रही है। अच्छा, तो इसी चीज में लगे हुए बच्चे जो अपने डिफरेंट एंगल्स है, इसमें रुझान नहीं है। एक गाना यहाँ सुन लेते हैं, आपके परिवार पे बिल्कुल हमने चर्चा कर ली और बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा छोटा सा परिवार है आपका, और वहीं पर जा करके आपको सुकून भी मिलता है जब आप थक के वापस घर जाते हैं तो दिल को सुकून वही मिलता है, मिलता है जी। मैं सोच रही थी अंग्रेजी मीडियम फिल्म का एक बहुत प्यारा सा गीत है, आपने जिंदगी की बात की है तो एक जिंदगी में ये यहाँ सुन लेते हैं, फिर बातचीत हमारी बिल्कुल होती रहेगी। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी, है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे सारे जन्म के मैं भूल आऊंगी। हमारा ऐसे दुनिया के हो ही नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी कि जिंदगी मैं पूरी
जिक्र किया था कि आपको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला 1998 में, तो कौन सा ऐसा आपका परफॉर्मेंस था जिसके लिए आपको ये अवार्ड मिला, ये जरूर जानना चाहेंगे, और किस तरह का किरदार था वो? मैंने अल्ताफ हुसैन हाली करी, फिल्म थी, उसमें मुझे अवार्ड मिला। उसमें मैंने सर सैयद बनाया, गालिब भी थे उसमें, क्योंकि सारे लोग थे उस जमाने के अंदर, उसके लिए आपको अवार्ड मिला। एक गीत यहाँ सुन लेते हैं राशिद जी, रुस्तम फिल्म आई थी अक्षय की हाँ, बहुत प्यारी सी और बहुत अलग हटके फिल्म थी ये, तेरे संग यारा बहुत प्यारा सा गीत है इसका। तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी जर्द सितारा, तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। टकराऊं मैं हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू, तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूँ सुना सा एक आसमां महताब तू, ओ करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तेरे बिन अब तो न जीना गवा। सारे रास्ते बस आया हूँ तेरे पास रे, मेरी आंखों में तेरा नाम है पहचान ले, सब कुछ मेरे लिए तेरे बाद है, सौ बातों की एक बात है, मैं ना जाऊंगा कभी तुझे छोड़ के ये जान ले। ओ करम खुदाया है तेरा प्यार जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बहता मुसाफिर तू ठहरा किनारा। स्टूडियो में हमारे साथ राशिद जी, और राशिद जी से बिल्कुल हमारी बातें हो रही है। राशिद जी, जब थिएटर करते हैं और जब फिल्म में करते हैं तो दोनों में फर्क होता है, क्योंकि थिएटर पे एक बार आपने जो मेकअप कर दिया
तो अगर वो फुल लेंथ प्ले है तो लगभग हल्का टचअप कभी बीच में जरूरत पड़ी, लेकिन फिल्म में तो बार बार आपको उसको दोहराना पड़ता है, क्योंकि एक सीन शूट होता है फिर दोबारा वो सीन दूसरे दिन शूट होता है, तो बार बार उसी तरह का मेकअप आपको करना पड़ता है। कंटिन्यूटी फिल्म के अंदर होती है जी, कंटिन्यूटी जो होती है वो फिल्म के अंदर होती है कि भाई उसके बाल कैसे थे। पहले उस जमाने के अंदर ये कंटिन्यूटी पहले लिखते थे लोग बाग। अच्छा, अब क्या होता है कि जो हम कर रहे हैं सॉफ्ट लाइट के अंदर, उसमें ऐसी चला सकते, पहले ऐसी नहीं चला सकते थे। स्टेज में और फिल्म में यही फर्क है, क्योंकि हम थोड़ा सा ओवर करते हैं मेकअप और फिल्म के अंदर बिल्कुल फाइन करते हैं, क्योंकि कैमरा सब कुछ नजर आ जाता है। तो हमने जो उसमें जो खूबसूरती डालनी है ना, वो बेस जो होता है हमारा वाटर प्रूफ होता है। हमारा बेस करने के बाद ना आप मूवी धो सकते हैं, आपका मेकअप कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, ये सारा मेकअप जो होता है वो डॉक्टरी पास होता है, यही बड़े बड़े लोगों को लगाया जाता है, यही स्टारों को लगाया जाता है। अब उसमें सबसे मेन चीज होती है क्रेप। अब आपको मुझे वाइटनर लगाना है तो मैंने पैच लगा रखा है आपके, अगर उसके अंदर वो गर्मी में काम कर रहा है तो मुझे उसी तरह से वो केमिकल इस्तेमाल करना होता है जो इसका मेकअप बिगड़े नहीं। तो हमको ये पता लगता है कि जी ये मेकअप हमारा कितने घंटे तक चल सकता है, ड्यूरेशन कितनी है उसके? हाँ, उसकी है। तो उसके हिसाब से हम बेस करते हैं, उसके हिसाब से नेट लगाते हैं, उसके हिसाब से मूछ लगाते हैं। तो हमने जो मूछें लगी हैं, दाढ़ियाँ लगी हैं, जैसे हमने गालिब बनाया, सर सैयद बनाया। अब मैं जब हम लोग में काम करता था, मैं इतना हैरान था उस टाइम पे मेकअप पे, क्योंकि खुलेआम बेच नहीं सकते थे उसको, बम्बई के अंदर भी नहीं होते। तो हमारे पास लेसम यूनियन से थे, हमको अपना कार्ड दिखा के मेकअप लेना होता था। तो जो ओबराय थी, जो उसकी प्रोड्यूसर थी, मैं कहता था मैम जो ये ख़त्म हो गया इसका, तो कह लेंगे कल लंदन जाएंगे लेके आ जाएंगे। तो वहाँ से वो सामान आता था, जब जाके वो मेकअप होता था। ये आम मेकअप नहीं होते, अब ब्यूटी पार्लर के अलग मेकअप होता है, हमारा बेस अलग होता है। अब उसके अंदर क्या होता है कि भाई फेस को हमारा डायरेक्टर कहता है ये लड़की मुझे पतली नजर आनी चाहिए। अच्छा, इसका फेस पतला नजर आना चाहिए। तो हमने उसको, जबकि वो लड़की थोड़ी फैटी होती है, फैटी उसको होती। पतला दिखाना है, चेहरा गोल होता है, बसों की नोज पतली होती है, बसों की चौड़ी होती है। तो उस फेस को हमें पहले बनाना है, उसके बाद हमने आउटलाइन डाल के उसका मेकअप करना है, जब जाके वो फेस नजर आएगा। कौन कौन सी फिल्में अभी तक आपने की हैं जिसमें आपने मेकअप किया है, अगर हम उनका जिक्र करना चाहें? असल में क्या होता है, देखिए फिल्म के अंदर सबके पर्सनल मेकअप मैन होते हैं। जी जी जी। अब जैसे मैं किसी हीरोइन के साथ हूँ, तनोजा जी के साथ हूँ, कभी राज बब्बर के साथ रहा, अमजद खान के साथ रहा, सैयद जाफरी के साथ रहा। गब्बर के साथ भी आप थे? हाँ, उनके साथ, क्योंकि उनके साथ कोई आदमी रुकता नहीं था, क्योंकि उनकी सीट अलग होती थी, बहुत अच्छे इंसान थे। तो मैंने उनके साथ मेरी जुबान करी, फरा थी उसमें। फिर मैं ललिता पावर के साथ लग गया, ललिता पावर ने भी, उनकी एक्टिंग भी बिल्कुल डिफरेंट थी। वो इतनी जिम्मेदार औरत थी, इतनी जिम्मेदार थी कि भाई वो जब मेरे मेकअप रूम के पास आती थी, मेरी तो माँ से भी बड़ी थी, जब वो आती थी तो वो एक मंदिर रखती थी, पैजा करती थी, पैर मेरे छूती, मैं कहते थे ये क्या कर रहे हो, वो कहती नहीं दादा मुझे ये करना, जब उसके बाद सेट पे जाती थी। तो वो लोग इतनी इज्जत करते थे, सिंधी फिल्में भी की है, मरानी भी करी है, फलाना चीज भी करी, मगर वो लोग इज्जत बहुत देते हैं, क्योंकि हम ही तो बना के दिखा रहे हैं उनको कि तुझे करना क्या है। आज क्या होता है, आज वो कहते हैं लो जी इसे तैयार कर दो। अरे तैयार क्या कर दो, हमें स्क्रिप्ट दो, हम देखेंगे क्या कहानी है। तो पूरी कहानी आपको पहले समझनी होती है ना, तब आप उसको उतार सकते हैं। जी जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, लगभग पूरी स्टोरी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में होनी चाहिए। काजल जी ने हमको बुलाया, हमको कहा कि मैं अब्बा खातून कर रही हूँ, तो मैंने उनसे पूछा अब्बा खातून कैसी थी, वो इन्होंने पूरी कहानी मुझे बताई, अब मैं उनकी वही चीज कर रहा हूँ। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी है, आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो उन चीजों को जिंदा रख रहे हैं। जी जी जी, एक गाना सुन लेते हैं तमाशा फिल्म का, घर तुम साथ, तो बहुत प्यारा गीत है।
फिरौती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। राशिद जी, आकाशवाणी से रिश्ता बड़ा पुराना है आपका, कब जुड़े आकाशवाणी से? लगभग कितने वर्ष हो गए? 8-10 साल, क्योंकि मैंने ज्यादातर जो टाइम काटा वो बॉम्बई में काटा, और मुझे यहाँ से इतना प्यार है, मुझे आने के बाद एक खुशी सी महसूस होती है, आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत इतनी चीजें दी है, समझे। मैं तो यही चाहता हूँ हमेशा इसी चीज के अंदर जुड़ा रहूं, क्योंकि सारी जिंदगी हम पर्दे के पीछे रहे और आप ही हैं जो हमें पर्दे से बाहर निकाला जी। जी, ये दर्शकों का प्यार है, ये प्यार। और ये दर्शक भी समझते हैं कि जो खूबसूरती या जो चीज हम देख रहे हैं, मेकअप देख रहे हैं, वो पर्दे के पीछे कुछ ऐसे हाथ हैं जिन्होंने इन्हें सजाया, संवारा, खूबसूरत बनाया या फिर उस रूप में ढाला जो रूप हम देखना चाहते हैं, जैसे शकुंतला का हो गया। कोई ऐसा आर्टिस्ट होता है जब हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं तो उसमें वो अलग सा रूप आता है, जब आप जनरल करते हैं तो उसमें एक अलग सा रूप निखर के आता है, उसमें से अलग से नजर आता क्या क्या, वो अपने करेक्टर में ढल जाता है। जी जी जी। अगर वो ये देखता है कि यार मैं अभी तो ये था, मैं ये चीज हो गया, तो उसमें ढल जाता है, उसमें वही चीज निकलने चली आती है। अब जैसे मुझे सुषमा सेठ थी, मेरे डायरेक्टर कहने लगे जी ये राशिद, इनके खाने की नली पे कैंसर है। अच्छा। मैंने खाने की नल में करेक्टर ऐसे बताते थे, कहले मैं आपको करेक्टर बता रहा हूँ, इन्हें रबड़ी गुलाब जामुन ये खाने का इनका करेक्टर है, जो कि उसके लिए जहर है, तो उसका चेहरा दबाता रहा। इसको कहते हैं करेक्टर। तो वो सुषमा सेठ शुरू से लेके वो इन्होंने दादी माँ का करेक्टर करा, मगर उसके अंदर वो चीज हो गई। जो करेक्टर के ऊपर जोर देगा वो एक्टिंग भी कर पाएगा, और एक्टिंग कोई सिखाया नहीं करता। मैंने इतने शहर इतने देश में गया हूँ, एक्टिंग कोई नहीं सिखाया करता। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, आप मेरा जवाब दे रहे हो, इससे बड़ी कोई एक्टिंग नहीं है। हमारे कुछ युवा साथी जो हमसे जुड़ते हैं और कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, अगर उनमें कोई स्पार्क है और वो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेकअप के लिए तो कोई NSD में भी बहुत सारी चीजें बनाई है हमारे, नहीं तो पटियाला यूनिवर्सिटी में कोर्स होता है, आप जाके सीख सकते हैं।
और अगर करेक्टर मेकअप सीखना है तो आपको पटियाला यूनिवर्सिटी जाना होगा, पटियाला यूनिवर्सिटी, क्योंकि एक क्लास मैं भी लगाता हूँ वहाँ पर, पढ़ाते हैं आप। अरे वाह, आप तो गुरु भी हैं। तो किस तरह के आपको स्टूडेंट्स वहाँ मिलते हैं सीखने के लिए? ऐसा होता है जैसे कोई आप उन्होंने कहा कि जी मेरे को ये चीज राशिद भाई सीखनी है कि भाई ये चीज मुझे कट करना है या पतला करना है या मोटा करना है, ये चीजें। बहुत से लोगों के फेस ऐसे होते हैं, किसी की नोज मोटी हो गई, किसी की पतली हो गई, और मैं खूबसूरत दिखना चाहती हूँ, तो मेरे जो बेस होते हैं ना वो होते हैं अलग जी। तो स्टिक का जो बेस होता है उसको करने के बाद ना आप अपने फेस को जैसा मर्जी रख सकते हैं, पार्टी में जाइए, कहीं भी जाइए, कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेकअप हुआ है। जी जी, ये है इसके अंदर। अच्छा राशिद जी, जब आप क्लास लेते हैं तो उस समय आपके पास मटेरियल होता है सिखाने के लिए? हाँ, जैसे कुछ सिखाना होता है, बिल्कुल, कुछ जानना है, कुछ समझना है, उसमें मटेरियल होता है। उसमें क्या होता है, हमारा कैमरा भी लगा हुआ, तो कोई मॉडल भी बैठता है वहाँ पर जिसपे आप करके दिखाते होंगे? वो जो मैं कर रहा हूँ वो मॉनिटर पे नजर आता है कि भाई इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। एक तरफ मैं मेकअप कर रहा होता हूँ, दूसरी तरफ रिजल्ट नजर आता है। उस मेकअप को और इस मेकअप को दिखाना होता है कि जी ये रिजल्ट है, ये आप है। तो हमारी दो सीटें लगती हैं, दो सीटों के अंदर एक में मॉनिटर लगा हुआ होता है जी। एक चीज होती है जिस वक्त हम मेकअप कर रहा हूँ तो एक क्लास इधर होती है, और जब हम मेकअप कर चुके होते हैं तो एक ये होती है। अच्छा अच्छा राशिद जी, कोई ऐसा करेक्टर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि इस तरह का भी मुझे और करना है, ऐसा कोई करेक्टर जो अभी आपके माइंड में है जो आपको अभी तक नहीं मिला है करने के लिए? एक मन की ख्वाहिश होती है ना? मेरा मन की ख्वाहिश है जो मेरे जैसे दिल का ऑपरेशन हो रहा है जी। उसमें मैंने हर चीज बनाई, दिल को धड़कता हुआ ना दिखाया। अच्छा, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं वो चीज भी दिखाऊं। वो क्या चीज से बनेगा धड़कता हुआ दिल ऐसे दिखाने नहीं, के लिए? असल में क्या होता है उसमें नोज पट्टियां आती है, फेस आता है, उसमें प्रेशर आता है। अब मैं कट तो दिखा सकता हूँ, ये डॉक्टर ने कट दिखाया, ये इसके टाके लग रहे हैं, ये इसकी सिलाई हो रही है, ये चीजों की। उसमें क्या होता है कि एक हाथ मेरा भी होता है जी जी जी। कैमरे के कैमरा चार आदमी ऑपरेशन कर रहे हैं मगर एक हाथ मेरा भी है उसके अंदर, बस वही कलाकारी है। क्या बात राशिद जी, अब समय समाप्ति की घोषणा है, चलेंगे, लेकिन आपसे अगली मुलाकात का इंतजार रहेगा। हमें बहुत अच्छी बातें हमने सीखी, समझी, जानी। जल्दी जल्दी चंद पंक्तियां कहना चाहेंगे। खूबसूरत है चेहरा तेरा, आवाज में मिठास है, जब आप बनाते हैं किसी को तैयार करते हैं, गुलोसी है तेरी हंसी, बहुत दिलकश है अंदाज। और ये जो अंदाज आप बनाते हैं, जो करते हैं, वाकई में दिल को छू जाता है, और आपसे ये मुलाकात बिल्कुल हमें याद रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद रेनबो के स्टूडियो में आने के लिए। और अब प्रीति आपसे चाहती है इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।